हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। थे और कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं ठंड का सीजन आ गई है। ठंडे में हमें बहुत तरह की सब्जियां मिलती है जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। तो आज हम उसी एक सब्जी से बनाएंगे, जैसे कि पालक। पालक कचौरी आज बनाएंगे हम, जिसमें भरपूर विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, के और आयरन मिलती है। तो इसे हमें बहुत ही जरूरी है खाना और बच्चे को भी खिलाना। बच्चे हमेशा इसमें खाने के लिए नखरा करते हैं। तो चलिए आज हम पालक कचौरी की रेसिपी बताते हैं। तो पालक कचौरी बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, जो हमें एकदम बारीक पीसना है मिक्सर पे। तो देखिए, हमने पालक को बारीक पीस लिया है। इसी में हम एक प्याज, लहसुन और अदरक मिर्चा का डाल के इसे पीसे हैं। एक गमला में हमें आटा ले लेना है, उसमें मंगरेला ले लेना है और स्वाद अनुसार नमक ले लेना है। हमने पालक पे नमक नहीं मिलाया था, रफी से अच्छे से मिला लेना है। ये मिल गई है। अब इसे हमें हल्का सा 2-3 चम्मच के लगभग तेल डाल के इसे आटा में मिला लेना है, ताकि ये कचौरी हमारी खस्ता बने। मैयान को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, मैयान आटे में अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसे किसी भी पालक को इसे मिला के अच्छे से आटा गूंथ लेना है। हमें आटा टाइट गूंथना है, लूज नहीं करना है हमें। और हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है, वही पिसा हुआ पालक से हमें आटा गूंथ के तैयार करना है। देखिए, आटा गूंथ के तैयार है। इसे हमें अच्छे से मसल के गूंथना है। इसके ऊपर थोड़ा हल्का रिफाइंड तेल लगा देना है और थोड़ी देर से रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक हम कचौरी की फिलिंग बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज, मिर्चा, अदरक, लहसुन, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसमें अब हमें स्वाद अनुसार नमक देना है। हमने आटे पे हल्का नमक मिलाया था, इसमें भी हल्का नमक देना है और इसमें हमें सत्तू मिला देना है। अब सत्तू को अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्चा को हल्का फ्राई कर सकते हैं। हमने इसे कच्चा ही मिलाया है। अब इसमें रेड मिर्च पाउडर हल्का सा डाल देंगे और डाल के मिला लेंगे। और इसमें थोड़ा हम ऑयल दे देंगे, तेल हल्का सा, और मिला लेंगे दोनों को अच्छे से। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। हमारी कचौरी की फिलिंग बनके रेडी है। अब हम आटा को हल्का मसल के छोटा छोटा लोई बना लेंगे। देखिए इस तरह से लोई बना के इसे इस तरह करके इसके अंदर हमें जिसका फिलिंग बनाए थे वो 1-2 चम्मच करके इसमें भर देंगे। इसको अच्छे से बंद करना है, नहीं तो ये फ्राई के टाइम खुल जाएगी। देखिए, ऐसे करके इसे बनाना है। इसी तरह करके सारे को हम बना लेंगे। देखिए, हमने सारे बना के
तैयार कर लिए। अब सारे बने हुए को हम इस तरह हल्का हल्का चपटा करके इस तरह दोनों हाथों के बीच दबा के ऐसे करके रखेंगे तो हमारी कचौरी देखिए हमने बना के रखे हैं। अब इसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमें कढ़ाई में तेल गर्म ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का लो से मीडियम फ्लेम पे रखना है कढ़ाई को हमें, आंच को। देखिए तेल गर्म हो चुकी है, फ्लेम को हाई नहीं रखना है, इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। हाई फ्लेम हाई करने से ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। इसे पकने में करीब से करीब 10 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे। अब इसे अगर जल्दबाजी में पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगे। आप अगर बच्चे को इस तरह बना के देंगे तो बच्चे हमेशा खाने की जिद करेंगे। ऐसे भी अक्सर बच्चे पालक खाने में नखरा करते हैं, तो आप इसी तरह कचौरी बना के बच्चे को खिलाएं, बच्चे को काफ़ी पसंद आएंगे। देखिए एक एक करके हमने इसे पलट दिया है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये रेसिपी। देखिए इसी तरह अलट पलट करते करते हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए लग रही है ना एकदम हलवाई जैसे कचौरी। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हमें निकाल लेना है। ये बहुत ही खास्ता बनकर तैयार हुई थी। आप भी इस तरह घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बाकी बची हुई कचौरी को हम इसी तरह तल लेंगे। इसको भी लो मीडियम फ्लेम पे ही हमें पकाना है। ये कैसे फूली फूली लग रही है। आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप आलू टमाटर का सब्जी के साथ, या फिर आप छोले बना के साथ इसके साथ छोले बना के भी खा सकते हैं इसके साथ। हमने आज आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, उसके साथ आज हम कचौरी खाएंगे। तो देखिए कचौरी बनके ये भी तैयार हो गई है, इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारी गर्मा गर्म कचौरी तैयार है, अब इसे सर्व करते हैं आलू टमाटर की सब्जी के साथ। देखिए इसे हमने ये खाने में बहुत टेस्टी बनी थी, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।